नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट वीडियो का। ये है कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, जो कि हमने पहले अभी बताया है फंगल इन्फेक्शन के बारे में। अभी हम बोलने जा रहे हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन अगर होता है किसी को तो क्या करना चाहिए ताकि ये बाद में और ना हो, अगर हो भी गया है तो कैसे ट्रीटमेंट, इसका इलाज हो। तो ये सबके लिए ज़रूरी है, जिसको हुआ है उसके लिए भी ज़रूरी है, और जिसको नहीं हुआ है वो भी इसका अगर ख्याल रखे तो बाद में फ्यूचर में उसका इन्फेक्शन से ये बच सकता है। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमको अपना हाइजीन मेंटेन करना है। मतलब हमारा जो इन्फेक्टेड एरिया है, जहाँ पे फंगस हुआ है, उस एरिया को हमेशा क्लीन रखना है, उस एरिया को हमेशा ड्राई सूखा रखना है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुजली ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा खुजली करेंगे नाखून से तो वो दूसरा जगह में स्प्रेड होता है, एक जगह से दूसरा जगह में स्प्रेड हो जाता है वो फंगल इन्फेक्शन। और अगर नाखून बड़ा बड़ा है तो उसको छोटा रखिए। कपड़ा हमेशा लूज़ पहनिए, कॉटन वाला ड्रेसेस पहनिए, और लूज़ हमेशा टाइट वाला कपड़ा, सिंथेटिक को अवॉइड करिए, क्योंकि टाइट कपड़े से हमारा बॉडी को हवा नहीं पहुंचता, जिसके वजह से हमारा बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा गीला रहता है, और वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से वहाँ पे ज़्यादा फंगस ग्रोथ होता है। और क्या करना है, कपड़ा अगर ज़्यादा पसीना हो जाता है उसको चेंज करना चाहिए, फ्रिक्वेंटली चेंज करना चाहिए। जैसे कि अगर हम जिम जा रहे हैं, कोई रनिंग करने जा रहा है, कोई एथलेट है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई कोई दूसरा गेम में बिजी है, गेम खेलने के बाद, कोई बॉक्सर है, तो ये सब काम करने के बाद आप तुरंत आके एक शावर लीजिए और कपड़ा चेंज कर लीजिए। अब कपड़ा को कैसे साफ़ करना है, गर्म पानी से साफ़ करना है आपको, तो डिटर्जेंट यूज़ करना है, उसके बाद भी गर्म पानी से साफ़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो फंगस है गर्म पानी से मर जाता है, बॉइलिंग वाटर से मरता है। लोग हमको बहुत बोलते हैं, हम तो अपना कपड़ा डेटल से साफ़ करते, फिर हमको क्यों हुआ? भाई साहब, डेटल जो है वो एंटीबैक्टीरियल है, कभी कभी एंटीवायरल एक्टिविटी भी है उसमें, इसे कोरोना में भी यूज़ हो रहा है, लेकिन ये फंगस में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए आपको ख्याल रखना है कि आपको गर्म पानी से साफ़ करना है कपड़ा को, गर्म आयरन से आयरन करना है, सनलाइट में सुखाना है कपड़ा को, धूप में सुखाना है, तो ये करना है। और अपना कपड़ा किसी को नहीं देना है, शेयर नहीं करना है, और किसी का कपड़ा जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसका कपड़ा भी नहीं पहनना है, उसका सामान यूज़ नहीं करना, जैसे कि उसका कम हुआ, उसका कंघी और उसका रेजर, उसका टॉवल, बेडशीट जो भी है, ये सब उसका यूज़ नहीं करना है। और अपना कपड़ा जब साफ़ करते हैं तो सेपरेटली साफ़ करिए। घर में अगर बहुत सारे लोग हैं, किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसका कपड़ा वॉशिंग मशीन में अगर साफ़ करते हैं तो उसका सेपरेट साफ़ करिए, दूसरा का सेपरेट साफ़ करिए, ताकि एक का इन्फेक्शन दूसरे को स्प्रेड ना हो। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए आसपास कोई डॉक्टर आपको नहीं मिल रहा है ट्रीटमेंट के लिए, के पास हम आ रहे हैं अभी, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है इस बीमारी के लिए? आइदर आपका अगर कम है, एक दो जगह में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे क्रीम से भी काम हो जाता है, एंटी फंगल क्रीम है। क्या क्या एंटी फंगल क्रीम होता है, जैसे क्लोट्रिमाजोल हुआ, मीकोनाजोल हुआ, लुलीकोनाजल, कीटोकोनाजल, इबोरकोनाजल, ऑक्सीकोनाजल, और ये सब है क्रीम, और टर्बिनाफिन, साइक्लोपाइरोक्सोलामाइन, बहुत सारा क्रीम होता है, सबका साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत होता है, क्रीम का ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं रहता है। कभी कभी किसी कंपोनेंट से किसी का एलर्जी हो सकता है, इरिटेशन भी हो सकता है, वो नॉर्मल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत सारा जगह में है, एक्सटेंसिव है, नहीं तो कोई ऐसा जगह में कहीं पे नेल में है, जैसे कि वहाँ पे क्रीम वगैरह ज़्यादा से अंदर घुस नहीं पाता है, तो उस जगह में आपको ओनली क्रीम से काम नहीं चलेगा, आपको ओरल मेडिसिन, मतलब कुछ खाने वाला दवाई भी खाना पड़ेगा, एंटी फंगल दवाई, वो अपने से मत लीजिए। आसपास कोई भी अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट है उसके पास जाइए, उसके साथ ही बात करके इलाज कराइए। ऐसा नहीं है कि हम आपको एग्जाम्पल दें, आपके घर में अगर मान लीजिए कंप्यूटर है, कहते टीवी है, खराब हो गया, आपका टीवी अगर खराब हो गया तो आप किसके पास जाते हैं? टीवी मैकेनिक पास तो जाते हैं ना ठीक कराने के लिए। ऐसा नहीं कि इस पास में कोई साइकिल दुकानदार है, उसको थोड़ा दिखा लेते हैं, थोड़ी ना करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो एग्जैक्टली ऐसा बात है, आपका अगर स्किन का प्रॉब्लम है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट ही इसके लिए स्पेशलिस्ट हैं और वो सबसे बेस्ट हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आसपास कोई भी डॉक्टर मिल गया तो उसको इलाज करेंगे,
जैसे कंप्यूटर का मैकेनिक अलग होता है, लैपटॉप जैसे आपका टीवी का अलग होता है, फ्रिज का अलग होता है, आपका साइकिल का, बाइक का, मोटरबाइक सबका अलग अलग मैकेनिक होता है ना, वैसे अलग अलग टाइप का भी डॉक्टर होते हैं, अलग अलग टाइप का स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे MBBS डॉक्टर एक ही ट्रीटमेंट माने सारे ट्रीटमेंट करेंगे कि मेडिसिन वाला डॉक्टर सारे ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, उनको प्रिलिमिनरी आइडिया बिल्कुल है, वो दे सकते हैं, लेकिन आपको अगर सही से सही पूरा ट्रीटमेंट करना है, फुल ट्रीटमेंट चाहिए, तो आपको बिल्कुल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। आजकल बहुत सारा लोग क्या करते हैं, फ्रेंड से फ्रेंड का प्रिस्क्रिप्शन लेके इलाज करने, हम वो हमारा दोस्त ये दवाई खा रहा था, हम अगर वही दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। क्योंकि आप ह्यूमन बींग है, सबका बॉडी, सबका अपना शरीर अलग होता है। आप अपना पापा जैसा नहीं दिखते, आप अपना भाई जैसा नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते? दिखते हैं क्योंकि आपका जेनेटिक अलग है, आप खुद एक अलग सा सेपरेट इंसान है। ऐसा नहीं कंप्यूटर है कि सब एक टाइप का कंप्यूटर है, HP का कि लिनोवा का, सबके एक फॉर्मूला डाल दिए, सॉफ्टवेयर डाल दिए तो सब एक ही जैसा काम करेगा, नहीं होता है। सबका ह्यूमन बॉडी अलग है, इसीलिए सबको अपना ट्रीटमेंट डॉक्टरों को दिखा के उसको पर्सनलाइज करना है, अलग सा ट्रीटमेंट लेना है। ऐसा नहीं कि एक दवाई सबको काम करेगा। कुछ कुछ फैमिली हमारे पास आते हैं, एक एक फैमिली में सबको रहता है इन्फेक्शन, वो क्या सोचते हैं कि चलो एक को दिखा लेते हैं, उसका दवाई सब खा लेंगे। अरे इससे थोड़ी ना होता है, कोई किसका बॉडी वेट कितना ज़्यादा है, किसका कम कम है, किसका नेल में इन्फेक्शन है, किसका फेस में है, किसका जांग में है, तो ये डिपेंड करता है कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्टेड है, कितना दिन से अफेक्टेड है, उसका वजन कितना है, और कोई एसोसिएटेड बीमारी है कि नहीं उसका, और कोई दूसरा बीमारी है कि नहीं। क्योंकि सारे दवाई, सारे मेडिसिन खाने वाला दवाई सबको सूट नहीं करता है, अलग अलग दवाई दिया जाता है, इस किसी का कॉन्ट्राइंडिकेशन भी रहता है, कुछ कुछ दवाई एकदम माने मना है एकदम नहीं देना। जैसे कोई हार्ट का बीमारी है किसी को, उसका फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो हम उसको इट्राकोनाजल अवॉइड करते हैं, क्योंकि इट्राकोनाजल से उसका हार्ट का ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। किसका लीवर ऑलरेडी डैमेज है तो उसको हम इट्राकोनाजल भी अवॉइड करते हैं, जो कि इट्राकोनाजल आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित वाला मेडिसिन है। लेकिन है कि आपको अच्छा वाला ब्रांड का लेना है, सस्ता से सस्ता नहीं लेना है कि कम दाम में ट्रीटमेंट हो जाएगा। हम आपको और एक एग्जांपल बताया, आपका अगर हार्ट का कोई बीमारी हुआ, कोई और बड़ा वाला सीरियस प्रॉब्लम हुआ, तो आप बड़ा डॉक्टर अगर बोलेगा कि हम सर्जरी लगेगा, कि हार्ट का कोई सर्जरी होगा, तो 30-40 हज़ार 50 हज़ार खर्चा होगा, तो आप करते हैं ना, खर्चा तो करते हैं। लेकिन स्किन का प्रॉब्लम होता तो क्या करते हैं लोग, नहीं कोई भी दवाई ले लो, ये क्या खुजली है, थोड़ा इसके लिए डॉक्टर के पास जाना है, नहीं, चलो थोड़ा दवाई की दुकान से दवाई लेके लगाते हैं। और इसी में क्या होता है, दुकानदार क्या देता है, सबसे जल्दी किसमें रिलीफ हुआ वैसा वाला दवाई देता है, और उसमें क्या होता है, स्टीरॉयड होता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाला क्रीम आता है। कुछ हम एग्जाम्पल दें, कुछ नाम बोले, जैसे कि बेटनोवेट, कैंडिड बी, पेंड्रम, कॉस्बेट जीएम, टेनोवेट, विटामिल जीएम, क्लोबेट जीएम, ओटोड्रम, प्रोपिसलिक, रिंग आउट, सर्फाजेसेन, जोलेफ, ऐसे बहुत सारा क्रीम होता है, सब लोकलिटी में अलग अलग नाम पे मिलता है, उसमें स्टीरॉयड रहता है। स्टीरॉयड क्या क्या नाम से आता है, आप अगर उसका कंपोजिशन सही से देखें तो स्टीरॉयड ऐसा कुछ होता है, जैसे बीटामेथासोन, बेक्लोमेथासोन, क्लोबेटासोन, मोमेटासोन, तो इसी में सोन सोन रहता है, ये सब मैक्सिमम स्टीरॉयड होता है, और ये सब हानिकारक है। ज़्यादा दिन अगर लगाते हैं तो आपका स्किन स्ट्रेच मार्क हो जाता है, स्किन फट जाता है, धीरे धीरे स्किन पतला हो जाता है, रेड हो जाता है और फट जाता है, वो बाद में इलाज करना मुश्किल हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेच मार्क, स्ट्राया, ये सब ठीक करने में हालत खराब हो जाएगा डॉक्टर का भी। और कभी कभी चेहरा में अगर होता है तो लोग चेहरा में लेके लगाते रहते हैं, तो चेहरा में क्या होता है, स्टीरॉयड लगाने के बाद पिंपल आ जाता है, लेडीज लोग में हेयर आ जाता है, स्किन और ज़्यादा पतला हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, कभी भी बाहर धूप में निकलते हैं तो ज़्यादा इरिटेशन होता है, बर्निंग होता है, जलन होता है, स्किन इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि आप कोई भी क्रीम चेहरा में नहीं लगा सकते हैं, तब उसका इलाज भी और ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो लेने का देना पड़ जाता है। तो ऐसे आप देखिए किस क्रीम आप दुकानदार से ले रहे हैं, सस्ता के चक्कर में आप प्रॉब्लम में ना पड़ जाए, इसीलिए हम उनको सजेस्ट करेंगे कि हमेशा कोई ट्रस्टेड डॉक्टर के पास जाइए, और जाते हैं तो स्पेसिफिक एंटी फंगल वाला क्रीम लेके ही लगाइए, और कुछ दिन के लिए लगाइए, एक दो हफ्ता लगाइए, अगर रिलीफ होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो तुरंत कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास दिखाइए। और ये जो भी क्रीम है, मेडिसिन है, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, जितना दिन तक कोर्स देते हैं उस
उसको उतना दिन मिनिमम कंप्लीट करना है। हम समझ रहे हैं ये दवाई बहुत ही महंगा है, जिसके वजह से लोग रिलीफ होने के तुरंत ही बात छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, दवाई जितना दिन दिया गया है उतना दिन कंप्लीट करना है। एपिडेमिक बोलते हैं इसको, एपिडेमिक। तो ये ठीक होने के बाद भी आपको थोड़ा ज़्यादा दिन दवाई करना है, और मिनिमम पकड़ लीजिए 4 to 6 week लग जाता है, 4 से 6 हफ्ता तक लग जाता है ये दवाई काम करने में, और पूरा पूरी अब क्योर होने में इतना टाइम लगता है। और क्या करना है आपका, अगर ज़्यादा वज़न है तो आप उसको वज़न कम करिए। आपका कपड़े का बारे में बोल दिया, इसके बारे में बोल दिया, हाँ। और घर के अगर सारे मेंबर अफेक्टेड हैं तो सबको एक साथ में इलाज करिए, तब ये बीमारी एक साथ में ठीक होगा। ऐसा नहीं कि पहले ट्राई करेंगे, चलो इस डॉक्टर के पास जाकर ट्राई करते हैं, ये हमारा बच्चा अगर ठीक हो गया, कि अगर हमारा ये मेंबर ठीक हो गया, तब तो हम दूसरा हम जाएंगे ट्रीटमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं करिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फेक्शियस है। घर में अगर किसी एक को रह गया तो उससे फिर दूसरे को हो जाता है। सपोज आपके घर में 5 मेंबर है, किसी सबको 4 जन को या 5 जन को इन्फेक्शन हुआ, आप एक का इलाज करा लिए, वो दवाई खा के ठीक हो गया, फिर वो आप ही एक ही घर में रहते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, फिर जो दूसरा इन्फेक्टेड लोग है वहाँ से आपको फिर दोबारा हो गया ना, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। इतना दवाई जो आप महंगा वाले खरीदें, इलाज कराएं, तो फिर दोबारा हो गया, इसके वजह से आपको भी प्रॉब्लम हुआ, फिर डॉक्टर को भी प्रॉब्लम हुआ। तो ये ऐसा एक बीमारी जिसके वजह से पेशेंट तो परेशान बहुत है ही, उसके साथ डॉक्टर भी बहुत परेशान है, क्यों भाई ये बार बार हो जाता है, पेशेंट भी दिमाग आके खाता है। तो ऐसा ही बात है। तो ये आपको मिनिमम जो हमने बोला है, ये सब हाइजीन मेंटेन करना है, और दवाई ठीक से खाना है, आसपास के अच्छा वाला डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, कोई भी ऐसा वैसे डॉक्टर को मत दिखाइए, और जो क्रीम बोले हम, ये स्टीरॉयड वाला क्रीम, कॉम्बिनेशन वाला क्रीम, इसको अवॉइड करिए, उसके वजह से आप ठीक हो सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके काम में आएगा, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा ये वीडियो अभी हम यूट्यूब में इसको डाल देंगे, फ्यूचर में आप इसको देख सकते हैं, आप मेरा यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन मिले और मेरा सारे के सारा वीडियो आपको मिलता रहे। हम ये लॉकडाउन पीरियड में कोशिश करेंगे कि बहुत सारा टॉपिक को कवर करें, और लोग को अवेयरनेस कराएं, लोग को इस बीमा कुछ कुछ बीमारी के बारे में हम समझाते रहें। थैंक यू, नमस्कार, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, थैंक यू।